आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम ये सीखेंगे कि अपने हम वीडियो में या ऑडियो में शॉर्टकट की मदद से इसमें इको साउंड कैसे लगाते हैं। जो इको साउंड जिसको लोग बोलते हैं उसको रिवर्ब भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं शॉर्टकट वीडियो एडिटर ओपन करना है। ओपन फाइल से अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ इस खाली स्पेस में आना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ ट्रैक ऑपरेशंस में आना है। अगर आपको उस ऑडियो को एडिट करना है तो ऑडियो ट्रैक एडिट, ऑडियो ट्रैक ऐड करेंगे यहाँ पे, और अगर वीडियो को करना है तो वीडियो ट्रैक करेंगे, ठीक है ना। अपने हिसाब से चुनेंगे, ये वीडियो है तो मैं वीडियो ट्रैक सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। आपका ऑडियो होगा तो आप ऑडियो ट्रैक सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, ये ऑडियो ट्रैक, ठीक है ना। मतलब ऊपर तो वीडियो ट्रैक है और ये नीचे जो है ऑडियो ट्रैक आ गया है, ठीक है। अब क्या होगा, इसको इस तरीके से ट्रैक कर लेंगे, यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, हम इसको रिवर्ब करना है। इसको रिवर्ब करने का तरीका क्या है, आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर जैसे डार्क ब्लू हो जाए, या प्लस का साइन दबाएंगे, यहाँ सर्च करेंगे रिवर्ब, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे। तो अब पहले मैं आपको सब बिना रिवर्ब के सुना देता हूँ कैसा लग रहा है ये बिना रिवर्ब के। हाँ, ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। मैं आपको रिवर्ब के साथ सुनाता हूँ, देखिए आवाज़ गूंजेगी इसमें। ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। अब इसमें कुछ सेटिंग्स भी दी हुई हैं जिससे आप इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि रिवर्ब टाइमिंग। जैसे रिवर्ब टाइमिंग कम करेंगे तो आवाज़ थोड़ी कम गूंजेगी पहले के मुकाबले, ओम बुम और अगर रिवर्ब का टाइम बढ़ा देंगे, जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे आवाज़ उतनी ज़्यादा। बुधाय नमः, देखिए अब ज़्यादा गूंज रही है। बुधाय रिवर्ब टाइम आप जितना बढ़ाएंगे, जितने सेकंड्स बढ़ाएंगे उतनी सेकंड्स के लिए आपकी आवाज़ गूंजेगी, ठीक है। रूम साइज़ भी अपने हिसाब से कर सकते हैं जो आपको सही लगे, नमः, कम ज़्यादा कर सकते हैं रूम साइज़। ओम बुधाय नमः, ओम हिसाब से को बिल्कुल कम कर देंगे, बुधाय नमः, थोड़ी कम हो रही है, तेज करेंगे उस हिसाब से आएगा। सबसे ज़्यादा फर्क इस चीज़ का पड़ता है रिवर्ब टाइम का। और अगर आप यही रिवर्ब किसी बस वीडियो के पार्ट में लगाना चाहते हैं, मतलब पूरे वीडियो में नहीं होते हैं, पूरे वीडियो में नहीं लगाना है आपको, तो इसके लिए आप पहले जहाँ से लेकर जहाँ तक आप एडिट करना है वो पार्ट चुन लेंगे। यहाँ पे ऐसे कर्सर रखेंगे और यहाँ पे दबाएंगे स्प्लिट एड प्ले हेड। अब इसकी जगह एस की भी दबा सकते हैं, इसका शॉर्टकट, ठीक है ना। मतलब अपना पार्ट चुन लेंगे, कौन सा पार्ट चुन लिया, ठीक है। अब इतने पार्ट में आपको रिवर्ब करना है तो उस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे या रिवर्ब सर्च करेंगे और यहाँ पे आप रिवर्ब कर देंगे, और अपने हिसाब से सेटिंग्स में आप रिवर्ब करेंगे। आप देखेंगे अब इसी पार्ट में सिर्फ रिवर्ब होगा, बाकी के पार्ट्स में नहीं होगा। जैसे नमः, ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। देखिए इस तरीके से है, इस पार्ट में रिवर्ब हो गया। ये रिवर्ब होता है बहुत से, उसका एको बोलते हैं, क्या उसका भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो इसमें इतना ही था आज वीडियो में, थैंक यू।